अध्याय दो। इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी हैं और भी मन लगाएं, ऐसा ना हो कि बहकर उनसे दूर चले जाएं, क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था, जब वो स्थिर रहा और हर एक अपराध और आज्ञा ना मानने का ठीक ठीक बदला मिला, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर क्यों कर बच सकते हैं, जिसकी चर्चा पहले पहल प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें निश्चय हुआ, और साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता रहा। उसने उस आने वाले जगत को, जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, स्वर्गदूतों के अधीन ना किया, वरन किसी ने कहीं ये गवाही दी है कि मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है, या मनुष्य का पुत्र क्या है कि तू उस पर दृष्टि करता है। तूने उसे स्वर्ग दूतों से कुछ ही कम किया, तूने उस पर महिमा और आदर का मुकुट रखा और उसे अपने हाथों के कामों पर अधिकार दिया। तूने सब कुछ उसके पांवों के नीचे कर दिया, इसलिए जबकि उसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया तो उसने कुछ भी न रख छोड़ा जो उसके अधीन न हो। पर हम अब तक सब कुछ उसके अधीन नहीं देखते, पर हम यीशु को, जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वो बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए, तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। क्योंकि पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं, सब एक ही मूल से हैं। इसी कारण वो उन्हें भाई कहने से नहीं लजाता, पर कहता है कि मैं तेरा नाम अपने भाइयों को सुनाऊंगा, सभा के बीच में मैं तेरा भजन गाऊंगा, फिर ये कि मैं उस पर भरोसा रखूंगा, और फिर ये कि देख, मैं उन लड़कों सहित जिन्हें परमेश्वर ने मुझे दिए। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वो आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दास्तव में फंसे थे, उन्हें छुड़ा ले। क्योंकि वो तो स्वर्गदूतों को नहीं वरन इब्राहिम के वंश को संभालता है। इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, जिससे वो उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती हैं, एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने, ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करे। क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया, तो वो उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है।